दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारे चैनल बोल फटाफट में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइव फीड में जो है जनता आई थी घर में और उन्होंने जो है कुछ टास्क वगैरह जो घर के कंटेस्टेंट हैं उनसे करवाए थे और उसके चलते वोटिंग के हिसाब से जो है राखी सावंत का इविक्शन हो चुका है। पर किसको मिले थे कितने वोट, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि राखी सावंत जो कि एंटरटेनमेंट क्वीन के नाम से जानी जाती है और बिग बॉस में उनको बुलाया इसलिए जाता है कि भाई वो एक एंटरटेनर है और वो जो है सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट बिग बॉस में देती है और फिर मेकर्स ने उनको ही जो है एक एंटरटेनमेंट का टास्क करवाया और उनको जो है सबसे कम वोट मिलने के बाद उनका जो है घर से इविक्शन हो गया है। लेकिन इसमें कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो इस रेस में सबसे आगे रहा है, जिसने जो है पब्लिक का दिल जीता है, जो ऑडियंस घर में गई थी उनका दिल जीता है? तो मैं आपको बता दूं कि किसको कितने वोट जो है वहां की जनता ने दिए हैं। सबसे पहले इसमें नाम आता है निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल का। जी हाँ, निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल जो है बाजी मार गए हैं। निशांत भट्ट को जो है 8.5 पॉइंट्स मिले थे, वही प्रतीक सहजपाल को जो है 8 पॉइंट्स मिले थे। उसके बाद तेजस्वी प्रकाश को 7.5 पॉइंट मिले थे। करण कुंद्रा और शमिता शेट्टी, इन दोनों को ही जो है 7 पॉइंट्स दिए गए थे, यानी कि ये दोनों बराबरी पर थे। इसके बाद आती है रश्मि देसाई, जिनको कि 6.5 वोट्स मिले थे। और राखी सावंत जो कि एंटरटेनमेंट क्वीन के नाम से जानी जाती हैं, इतना सारा 2 दिन तक जो है एंटरटेनमेंट सारे कंटेस्टेंट ने किया, लेकिन राखी सावंत जो है ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत ही मतलब कि जिस इंसान को एंटरटेनमेंट क्वीन के नाम से जाना जाता है वो बिल्कुल पीछे रह गई और बाकी सारे कंटेस्टेंट जो है उनको पछाड़ते हुए आगे निकल गए, जिसमें कि राखी सावंत को सिर्फ 6 पॉइंट्स मिले और जिसकी वजह से उन्हें जो है घर से बेघर होना पड़ा। तो इस बारे में क्या है आपका कहना, क्या ये मेकर्स का कोई प्लान था कि हाँ अब हमें राखी सावंत का जो है घर से इविक्शन करना है? क्योंकि अगर आपको राखी सावंत का इविक्शन करना है तो आप कोई और टास्क दे सकते थे, लेकिन ये टास्क बोलकर कि भाई एंटरटेनमेंट आपको जो है पब्लिक को करना है और एंटरटेनमेंट के नाम पर उनको बाहर निकालना कि भाई तुम जो है एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो, तुमको जो है सबसे कम वोट मिले हैं, तो क्या आपको ये सही लगता है? तो एक तरीके से तो मैं बोलूंगी कि राखी सावंत एंटरटेनमेंट करती है, हालांकि उनका एंटरटेनमेंट अभी थोड़ा अलग ही लेवल पर जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरीके से राखी सावंत का ये बोलकर कि उन्होंने सबसे कम एंटरटेनमेंट किया तो एक अनफेयर इविक्शन होगा मेरे लिए भी। इस बारे में क्या है आपका कहना, प्लीज हमें हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइए और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।